हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको बताया कि हमारा जो मैथ में टॉपिक चल रहा है वो है चैन रूल। चैन रूल की पहली क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने चैन रूल के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था कि चैन रूल के क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं, कैसे उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक पहली क्लास नहीं पढ़ी है, पहली क्लास की वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए और क्लास को जो है वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जो है ये कंटेंट वहाँ तक भी पहुँचे जहाँ तक जो आपके दोस्त हैं, जो आपके मित्र हैं, ठीक है ना, जो किसी कारणवश बाहर नहीं जा सकते, कहीं कोचिंग नहीं जा सकते, लेकिन उनको फिर भी कुछ अच्छा करना है, उनको जो अपने उनका कुछ एम है जिसको उन्होंने डिसाइड कर रखा है, जिसको उनको पाना है और अच्छा कंटेंट नहीं मिल पा रहा, वो कुछ ऐसा होता है कि भाई कुछ लोग आर्थिक भी कमज़ोर होते हैं कि नहीं वो पैसे दे के नहीं पढ़ सकते, तो यहाँ से आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपए आपसे नहीं लिया जा रहा और आपको एकदम बेसिक से मैंने हर चीज़ पढ़ाई है, हर एक टॉपिक में एकदम बेसिक से, ठीक है ना। जिसको मतलब मैथ का MBA है तो वो भी आप आसानी से जो है हर एक टॉपिक को आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो अगर जो है अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज जो है चैन रूल की दूसरी क्लास है। आज की क्लास में भी जो है हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहली क्लास में भी हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तो अगर जो है आपने पहली क्लास नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़ लीजिए और जो है वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, ताकि मैंने कहा ना किसी कारणवश जो आपके मित्र हैं कहीं बाहर नहीं जा सकते, बहुत सारे कारण होते हैं, अपने अपने सबके अलग अलग कारण हैं, किसी का अर्थ कारण है, किसी का कुछ और कारण है, तो वो घर बैठे ही बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उनका ये है कि नहीं यार मुझे कुछ करना है और मैं कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ। सबसे पहली बात होती है किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, खासकर अगर आप YouTube से पढ़ाई कर रहे हैं तो YouTube में आप देखेंगे कि भाई कोई भी आपको जो है एकदम बेसिक से नहीं पढ़ा रहा, एक दो तो उसने बता दिया, एक चैप्टर का एक जो है क्लास उसने ले ली, फिर वो बीच में आधर में आपको छोड़ के चला गया। अब आप टेंशन में होगा कि अब क्या करें, हमने समझ तो लिया कि ठीक है भाई इस टॉपिक को ऐसे करना, अब इसके क्वेश्चन और कैसे करें, लेकिन मैंने आपको एक एक टॉपिक के एक दो नहीं चार चार पांच पांच क्लासें पढ़ाई हैं। वो इसीलिए कि आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ें वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठना भी चाहिए। जैसे चैन रूल एक क्लास का टॉपिक होता है, एक क्लास में इस टॉपिक को खत्म कर दिया जाता है, लेकिन मैं आपके लिए दूसरी क्लास लेके इसीलिए आया ना कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, ताकि चैन रूल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में कभी आपको मिल जाए तो आप कभी भी उसको गलत ना करें, क्योंकि वहां एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो नंबर चार नंबर की बात छोड़ दीजिए, एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां तो जो है जब मेरिट बनती है तो वहां जो है पॉइंट में काम हो जाता है कि 0.5 से आप बाहर हो गए या 0.5 से आप अंदर हो गए, तो यहां तो एक नंबर का एक नंबर की बात है। और हर टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन ही तो पूछे जाते हैं, लेकिन पूरे टाइप उसमें पढ़ने पड़ते हैं, कहां से पूछा जाएगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये तो हमें नहीं पता। हमें ये जरूर पता है कि भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, हाँ इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। अब ऐसा नहीं कि इस टॉपिक से बाहर कुछ और आएगा, जितना आपके लिए उसमें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो इसलिए जो है आप भी मन लगा के पढ़ाई करें, ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप वीडियो को शेयर भी करते रहे, ठीक है, और अपनी भी पढ़ाई को आप जो है बेहतर से बेहतर बनाते रहें, ताकि जो भी आपका एम है, जिसको भी आपने जो भी जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपका भी एक लक्ष्य है कि हाँ मुझे भाई ये करना है, तो वो लक्ष्य और वो मुकाम आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। तो चलिए आज क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका रिवीजन कराता हूं, उन्होंने पहली क्लास में क्या पढ़ा था। पहली क्लास में हम लोगों ने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब ये होता है, जैसे हम चैन रूल की जब बात करते हैं तो चैन रूल में भी आपके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं कि भाई जैसे कि हमने टाइम एंड वर्क पढ़ा, तो टाइम एंड वर्क में हमने पढ़ा कुछ बच्चे हैं, कुछ पुरुष हैं या कुछ जो है औरतें हैं किसी काम को करती हैं, ठीक है ना,
तो भाई जब काम को कोई करता है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो कोई महिला हो, तो टोटल वर्क कैसे आप निकालते हैं? ठीक है ना, जैसे आपने अपने घर में कोई काम करा रहा किसी से भी, ठीक है, तो भाई आप वहां पे अगर आपसे कहा जाए कि इस आदमी ने आपके घर में कितने कितना काम किया टोटल, तो आप कहेंगे इस आदमी ने कितने दिन तक काम किया। अब एक दिन में अगर एक काम किया उसने, तो 10 दिन में वो 10 काम करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टोटल वर्क की। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल वर्क की। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? तो आपने कहा टोटल वर्क निकालते हैं कि आप जो पुरुष है अर्थात मैन मल्टीप्लाई डेज, उस पुरुष ने कितने दिनों तक काम किया, ठीक है ना, उस पुरुष ने कितने दिनों तक काम किया। यहां से आप क्या निकालते हैं? टोटल वर्क निकाल लेंगे। अगर उस पुरुष ने एक दिन में एक काम किया और उसने आपके यहाँ 10 दिन तक काम किया, तो भाई उसने टोटल 10 काम आपके यहाँ कर दिए, ठीक है। अब जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, तो किसी काम को जब किया जाता है, जैसे मैं कोई काम करूंगा, तो भाई मैंने कितने दिन तक काम किया, पर डे मैंने कितने घंटे काम किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जाता है, जैसे कि अब जो है दो कंडीशन, पहली कंडीशन में जो दो लोग अलग अलग कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, दो अलग अलग लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं, और वर्क दोनों के द्वारा किया गया समान है। वर्क दोनों के द्वारा किया गया क्या है आपका? समान है, ठीक है ना, अर्थात W1 बराबर W2 है। दो अलग अलग लोग हैं जो एक ही कार्य को जो है कर रहे हैं, अर्थात दोनों के द्वारा किया गया कार्य आपका समान है, लेकिन वहां पे आपकी आदमियों की संख्या अलग है, दिनों की संख्या अलग है, घंटों की संख्या अलग है। तो जैसे आप किसी काम को करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? पुरुषों की संख्या तो M1, ठीक है, दिनों की संख्या D1 और घंटों की संख्या तो H1। ये बराबर में किसके होता है आपका? ये अगर वर्क दोनों का सेम है, दोनों के द्वारा, दो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग दिन है, अलग अलग घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों के द्वारा किया गया अगर कार्य समान है, तो आपका हो जाएगा M1 D1 H1 = हो जाता है आपका M2 × D2 × आपका H2, ठीक है ना। जहां पे M क्या है आपकी? पुरुषों की संख्या, या जो है कह सकते हैं लड़कों की संख्या या स्त्रियों की संख्या को जो है ये यहाँ पे दर्शाता है। D क्या दर्शाएगा? D1 जो है जो पहले प्रकार के लोग हैं उसमें जो काम कर रहे हैं कितने दिनों तक उन्होंने काम किया, जो दूसरे प्रकार के लोग हैं उतने उन्होंने कितने दिन तक काम किया, H1 इन्होंने कितने घंटे पर डे काम किया, इन्होंने कितने घंटे पर डे काम किया, ठीक है। अब अगर देखो, अगर दोनों का वर्क आपका अलग अलग है, अर्थात W1 ≠ W2, अगर दोनों आपके जो वर्क है वो समान नहीं है, दोनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं, जो M1 लोग हैं जो D1 दिन तक काम करते हैं, पर डे H1 घंटे काम करते हैं, उन्होंने कुछ अलग कार्य किया, और जो M2 लोग हैं जो D2 तक दिनों तक काम करते हैं, जो H2 घंटे पर काम पर डे काम करते हैं, उन्होंने कुछ अलग काम किया, तो फिर उसका कंडीशन में क्या होगा? अगर वर्क दोनों के अलग अलग हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा M1 × D1 × H1 अपॉन हो जाएगा आपका W1 = हो जाएगा आपका M2 × D2 × H2 / W2, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कल आपने पढ़ा था, थोड़ा सा मैंने आपको रिवीजन करा दिया, ठीक है, कैसे क्या है, और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर चयन रूप से सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इस रूल के आधार पर, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ 42 पर्संस कंज्यूम 144 केजी ऑफ वी इन 15 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज विल 30 पर्संस कंज्यूम 48 केजी ऑफ वी। यदि 42 व्यक्ति 15 दिनों में 144 किलोग्राम गेहूं खाएंगे, तो 30 व्यक्ति 48 किलोग्राम गेहूं कितने दिनों में खाएंगे? 9 days, 10 days, 7 days, 13 days, की none of these। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको M1 कितना दिया गया है, तो आपने कहा M1 = 42 है, ठीक है ना, M1 = 42 है, और D1 = आपका 15 days है। अच्छा W1 कितना है, तो इनको काम क्या करना है, गेहूं को खाने का, तो इन्होंने कितना केजी गेहूं खा लिया, तो आपने कहा 144 केजी। तो काम क्या है इनको, गेहूं को खाने का,
तो भाई 144 केजी गेहूं इन्होंने जो है कितने दिनों में, 15 दिनों में 42 व्यक्तियों ने खा लिया। अब जो है अगर बात करें तो M2 इक्वल्स टू कितना है, आपने कहा M2 इक्वल्स टू आपका जो है कितना दिया गया 30, इन्हों का जो है कितने दिनों में खाएंगे, अर्थात D2 आपको निकालना है, D2 आपको फाइंड करना है, और W2 क्या है, इनको कितना किलो गेहूं खपत करनी है, तो आपने कहा 48 kg। तो काम है इनका गेहूं को खपत करना, गेहूं को खाना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो दोनों का कार्य अलग अलग है ना, ये जो है 144 नहीं है, जब दोनों कार्य अलग अलग है तो फिर यहां पर देखो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2। अब यहां पे चूंकि H1 है नहीं, घंटे की बात हो नहीं रही, तो ये हो जाएगा M1 इंटू D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 इंटू D2 अपॉन आपका हो जाएगा W2, ठीक है ना, क्या हो जाएगा अपॉन में W2, ठीक है। जरा रख दीजिए यहां पे, देखिए M1 कितना है 30, D1 कितना है, तो आपने कहा नहीं, M1 है 42, D1 है आपका जो है 15, और W1 है आपका 144 इक्वल्स टू M2 कितना है 30, D2 आपको फाइंड करना है, और अपॉन में W2 कितना है 48, तो ये हो जाएगा आपका D2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 42 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 48 अपॉन हो जाएगा आपका 30 मल्टीप्लाई 144, ठीक है, 30 मल्टीप्लाई 144 इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा, तो आपने कहा 15 टूजा होता है आपका 30, ठीक है, और कितना हो जाएगा 48, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 42 सही तो है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 15 टू जा 30, और ये हो जाएगा 48 थ्रीजा हो जाएगा आपका जो है 48 थ्रीजा हो जाएगा आपका 144, कितना हो जाएगा आपका 144, ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो इसको कट कर दो इससे, तो आपने कहा 3 2 जा 6, और 3 और 2 का मल्टीपल कितना 6 हो जाएगा ना, 6 7 जा आपका 42, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका D2 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 7, D2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 7, तो 7 डेज में जो है ये उसकी खपत कर लेंगे 48 kg वीट का, तो यहाँ पे आपका आंसर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया कैसे करना है, ठीक है ना, कैसे आप जो है इस कॉन्सेप्ट के आधार पे चैन रूल के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला देखिए आपका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है कि अ सर्टेन नंबर ऑफ मेन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज, इफ देयर वर 8 मैन मोर द वर्क कैन बी फिनिश्ड इन 10 डेज लेस द नंबर ऑफ मैन ओरिजिनली इज, एक निश्चित संख्या में पुरुष एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं, यदि 8 आदमी अधिक हों तो कार्य 10 दिन कम में समाप्त तो हो सकता है, मूलतः पुरुषों की संख्या कितनी है, 48 है, 34 है, 26 है, 36 है, कि नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आप मान लेते हैं, हमने मान लिया कि लेट द नंबर ऑफ मेन ओरिजिनली, हमने मान लिया कि लेट द नंबर ऑफ मेन, लेट द नंबर ऑफ मेन ओरिजिनली इज M, ठीक है, इसकी संख्या हमने कितनी मान ली, M मान ली, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां पे कह रहा है कि एक निश्चित संख्या में पुरुष एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, अर्थात यहां पे M1 बराबर कितना है, तो आपने कहा M1 बराबर है आपका जो है M,
ठीक है। और आपका जो है D1 कितना है? D1 है आपका 60, D1 है आपका 60, क्योंकि 60 दिनों में खत्म करना था ना, ठीक है। और W1 कितना है? तो आपने कहा W1 है 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जो है कि भाई एम ने क्या मान लिया कि कुछ निश्चित संख्या में जो व्यक्ति है उनकी संख्या आपकी एम है, और उनको जो है 60 डेज में इस कार्य को क्या कर देना है? फिनिश कर देना है, पूरा कर देना है। अब देखो M2 की अगर बात करें तो कह रहा है कि यदि 8 व्यक्ति अधिक होते, इफ देयर वर 8 मेन मोर, द वर्क कैन बी फिनिश्ड इन 10 डेज लेस। अगर 8 व्यक्ति अधिक होते, अर्थात M2 इक्वल्स टू आपका होता है M plus 8, तो जो आपका कार्य है अर्थात D2 इक्वल्स टू आपका 50, 10 दिन पहले ही जो है कार्य क्या हो जाता? खत्म हो जाता, ठीक है ना। 10 दिन कम में काम ये खत्म हो जाता था, 50 डेज में काम जो है क्या हो जाता? फिनिश हो जाता। और यहां पर भी W2 भी कितना है? W2 और W1 आपका सेम है, ठीक है ना। इनको एक ही कार्य दोनों को करना है, तो जब दोनों कार्य आपके सेम हैं, ठीक है ना, जब दोनों वर्क आपका W1 W2 सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका M1 इंटू D1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका M2 इंटू आपका D2, ठीक है। तो M1 कितना है? M, D1 कितना है आपका 60 इक्वल्स टू, M2 कितना है तो आपने कहा M+8, और D2 कितना है आपने कहा? D2 है 50, तो ये हो जाएगा आपका 60M इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 50M प्लस हो जाएगा आपका 400, ठीक है। तो जब इधर लेके आओ जाओ तो 10M बचेगा, 10M इक्वल्स टू 400, तो यहाँ पे आपका M इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 40, M इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 40, ठीक है ना। M इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका? तो आपने कहा 10 से इसको डिवाइड कर दो, 40 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ओरिजिनल आपने जो है पुरुषों की संख्या कितनी मानी थी? एम मानी थी, तो वहां पे जो है द नंबर ऑफ मेन ओरिजिनली इज 40, तो यहाँ पे ऑप्शन ई जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो मूलतः पुरुषों की संख्या थी वो थी 40, क्लियर है। तो 40 आपका सही आंसर आ जाएगा, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि 24 पर्सन वर्किंग 8 आवर्स अ डे कैन कंप्लीट 2 यूनिट्स ऑफ ए वर्क इन 10 डेज, हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 4 यूनिट्स ऑफ दैट वर्क इफ दे वर्क 6 आवर्स अ डे फॉर 16 डेज। 24 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य की 2 इकाई को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उस कार्य की 4 इकाइयों को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी यदि वे 16 दिनों तक प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं। तो यहां पर देखो अगर हम बात करें तो M1 कितना दिया गया है? तो आपने कहा M1 दिया गया है आपका 24, M1 कितना दिया गया है? 24, ठीक है ना। H1, अब देखो यहाँ पे H1 की भी बात हो गई, H1 कितना है आपका? 8, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका D1 कितना है? D1 है आपका जो है आपका 10, और W1 कितना है? W1 है आपका 2, क्योंकि इन लोगों ने 2 यूनिट काम को ही अभी तक पूरा किया है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड, अर्थात M2 हमें अब निकालना है, M2 हमें जो है फाइंड करना है, ठीक है। कि और जो है अब जो ये कितने व्यक्तियों की आवश्यकता और है कि जो कार्य आपका बचा है 4 यूनिट का, उसको जो है ये 16 दिनों में और प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसको फिनिश कर ले। तो यहां पे अगर बात करें तो M2 हमें फाइंड करना है, D2 कितना दिया गया है? तो आपने कहा D2 आपका 16 दिया गया है, H2 कितना दिया गया है? H2 आपका 6 दिया गया है, और W2 कितना है? 4 यूनिट काम इन्हें फिनिश करना है, 16 दिनों में करना है, प्रत्येक दिन 6 घंटे इनको काम करना है। तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है कि ये काम इतने दिन में फिनिश हो जाए, 16 डेज में ये काम फिनिश हो जाए, प्रतिदिन वो 6 घंटे काम करें तब? तो आपने कहा, अब यहां पर देखो दोनों का कार्य क्या है आपका? अलग अलग है, तो यहां पर हो जाएगा आपका M1 into D1 into H1 upon W1, अर्थात 24 into 8 into 10 upon में आपका हो जाएगा 2,
इक्वल टू हो जाएगा जो है आपका m2, m2 आपको फाइंड करना है, इंटू d2, d2 कितना है आपका 16, इंटू h2, h2 कितना है आपका 6, अपॉन में हो जाएगा आपका w2, w2 कितना है आपका 4, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 24 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में हो जाएगा जो है आपका 16 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई आपका 2, ठीक है। देखो 8 टू जा आपका 16, 2 टू जा आपका 4 और 6 4 जा आपका जो हो जाएगा 24, तो m2 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 40, 40 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। m2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 40, तो 40 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी जिससे वह जो है इस 4 यूनिट काम को 16 दिनों में प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 40 मैन की जरूरत पड़ेगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि द कॉस्ट ऑफ 8 फैंस एंड 14 ओवंस इज 36,520 रुपीज, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 12 फैंस एंड 21 ओवंस, 8 पंखे और 14 ओवन की लागत 36,520 रुपए है, तो 12 पंखे और 21 ओवन की लागत क्या है, इनमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा। देखिए ये बहुत ही आपका जो है इजी क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कि भाई द कॉस्ट ऑफ 8 पेंस एंड 14 ओवंस इज 36,520, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 12 पेंस एंड 21 ओवंस। अब ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बहुत एक आसान सा तरीका बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो अगर फैन की बात करें तो पहले आप यहाँ पे आपका 8 फैंस था, बाद में यहाँ पे कितना हो गया, तो आपने कहा 12 फैन की कीमत हमसे पूछी गई है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर बात करें तो ओवन के कितने हैं, यहाँ पे ओवन आपका 14 है, यहाँ पे 21 है। अब आपको ऐसी वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है 8 में जिससे जो है आपका 12 आ जाए, ठीक है ना। आपको 8 में ऐसे फ्रैक्शन की जो है फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है जिससे आपका जो है 12 आ जाए, और ये भी ध्यान रखना है कि सेम उसी फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई 14 में भी होगा जिससे 21 भी आ जाए, ठीक है। जैसे मैंने अगर यहाँ पे किस फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई किया, तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 8 में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 3/2 का, जब 3/2 का मल्टीप्लाई कर दिया देखो 12 आ गया, ठीक है ना। 8 में जब 3/2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया आपका 12 आ गया। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो 14 ओवन इक्वल्स टू है 21 ओवन के, 14 ओवन की कीमत दी गई है, 21 ओवन की कीमत आपसे पूछी गई है। तो यहां पर भी अगर बात करें तो 14 में भी आपको 3/2 का ही मल्टीप्लाई करना है, जब 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। दोनों में सेम फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई होना चाहिए, और अगर आपने ऐसे फ्रैक्शन को निकाल लिया तो अब आपके लिए क्वेश्चन एकदम आसान सा हो गया। देखो तुरंत आंसर आ गया आपका, भाई 8 में हमने 3/2 का मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, वही 14 में हमने 3/2 का मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया। तो अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पर कीमत दी गई उसका 3/2 निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि 12 फैन और 21 ओवन का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ 12 फैन एंड 21 ओवन इज 36,520 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 2, ठीक है। अब 2 से जरा इसको कैंसिल कर लो भाई, तो आपने कहा 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 कितना बचेगा आपका, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 8 जा आपका हो जाएगा 16, 2 2 जा 4 कितना बचेगा यहाँ पे आपका 1, 2 6 जा हो जाएगा आपका 12, 0 से 0 आ जाएगा, ठीक है। और 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 0 3 6 जा 18 1 बचेगा, 3 2 जा 6 और 1 हो जाएगा आपका 7, और 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3 3 2 आपका हो जाएगा 5,
तो ये आ जाएगा जो है आपका कितना जाएगा 54,780 रुपीज़। कितना आ जाएगा 54,780 रुपीज़। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया भाई 54,780 रुपीज़। अच्छा यहाँ पे पॉइंट भी दिया गया 54,780 रुपीज़। ठीक है ना, तो अगर हम इसको ले तो फिर यहाँ पे जो है 36,520 रुपीज़ होना चाहिए, तभी ये वाला आंसर आएगा। अगर 36,520 रुपीज़ है तो इसका आंसर आपका ई जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि आंसर आएगा 54,780 रुपीज़। तो ऑप्शन ई जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो समझ में आई मेरी बात कि ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आपको चयन रूल में मिलता है तो आपको ऐसे फ्रैक्शन का चुनाव करना है, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे 8 में 3/2 का मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, सेम उसी फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई मैंने 14 में भी किया तो आपका 21 आ गया। तो डायरेक्ट जो है आप इस प्राइस का 3/2 कर दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। तो ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए है कि अ कैंटीन रिक्वायर 651 बनानास फॉर अ वीक, टोटली हाउ मैनी बनानास विल इट रिक्वायर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मई एंड जून। तो एक कैंटीन को एक सप्ताह के लिए 651 केलों की आवश्यकता होती है, तो कुल मिलाकर अप्रैल मई और जून के महीनों के लिए उसे कितने केलों की आवश्यकता होगी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, एकदम कह सकते हैं हलवा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, तो आप देखते ही सॉल्व कर लेंगे क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं भाई। एक सप्ताह में उसको 651 केलों की आवश्यकता पड़ती है। एक सप्ताह की अगर हम बात करें, वन वीक की अगर हम बात करें, तो वन वीक में आपके 7 डेज होते हैं। तो यहां पर देखो दिया गया है कि उसको वन वीक में कितने बनाना चाहिए। आपने कहा 651, तो हमको पता है कि वन वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, ठीक है ना। तो 7 डेज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 651। तो एक दिन में उसको कितने केल की आवश्यकता होगी, तो 1 डे इक्वल्स टू हो जाएगा 7 से इसको डिवाइड कर दो तो 7 9 जा आपका 63, ठीक है ना, 7 9 जा 63 और 7 3 जा 21। एक दिन में उसको जो है, एक दिन में उसको 93 बनाना चाहिए, ठीक है। एक हफ्ते में 651 उसको केले चाहिए, तो एक दिन में उसको 93 केले चाहिए, ठीक है। तो कह रहा कि तो बताइए कि भाई उसको जो है अप्रैल मई और जून इन तीनों महीनों को मिला के कितने केलों की आवश्यकता होगी। तो आपने कहा कि भाई अगर यहाँ से हमको एक, देखो एक दिन की वैल्यू मिल गई, यहाँ से टोटल डेज निकाल लीजिए और उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ कि अप्रैल मई और आपका जून, इन तीनों महीनों को मिला के टोटल डेज कितने आएंगे। तो आपने कहा अप्रैल जो होता है वो 30 का होता है, मई जो है आपकी 31 की होती है, जून आपका 30 का होता है, तो हो जाएगा 91। कितना हो जाएगा आपका 91 डेज हो जाएंगे, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 91 डेज हो जाएंगे, ठीक है, 91 डेज टोटल हो जाएंगे। एक दिन में इसको आवश्यकता है 93 बनानास की, तो 93 डेज में कितने केलों की आवश्यकता होगी। तो आपने कहा हो जाएगा 93 मल्टीप्लाई 91। अब एक काम करते हैं 93 और 91 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा। तो आपने कहा पहले 90 कर ले तो 0 आ जाएगा, और 9 3 27 2 आपका कैरी हुआ, 9 9 81 2 हो जाएगा, आपका 3 9 7 आपका 16 बचेगा, आपका 1 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8463। अर्थात उसको जो है अप्रैल मई और जून इन तीनों महीनों को मिला के 8463 बनाना की जरूरत है, ठीक है ना, कितने की पड़ेगी 8463। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर।
क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है सिक्स नंबर का क्वेश्चन है कि द कॉस्ट ऑफ 16 पैकेट ऑफ सॉल्ट ईच वेविंग 900 ग्राम इज 28 रुपीज। सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 27 पैकेट इफ ईच पैकेट वेव 1 kg। नमक के 16 पैकेट प्रत्येक का वजन 900 ग्राम है कि कीमत 28 रुपए है। 27 पैकेटों की कीमत क्या होगी यदि प्रत्येक पैकेट का वजन 1 किलोग्राम है। 52 रुपीज 50 पैसे, 58 रुपीज 20 पैसे, 55 रुपीज 50 पैसे कि 62 रुपीज 75 पैसे की जवाब थी। तो अब यहाँ पर ये है कि भाई जो आपका जो है यहाँ पर हम M1 कैसे लेंगे, यहाँ पे हम M2 कैसे लेंगे, ठीक है ना। तो M1 किसको लेंगे भाई, जो पैकेट है। जैसे यहाँ पर देखो जो है द कॉस्ट ऑफ 16 पैकेट ऑफ सॉल्ट ईच वेविंग 900 ग्राम इज 28 रुपीज। तो यहाँ पर जो है वर्ग क्या है, पैसे को देना। तो आपने जो है 16 पैकेट के लिए नमक के 28 रुपीज दिया, तो जो पैसा आपने दिया वो इसका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। तो यहां पे अगर हम बात करें तो M1 बराबर क्या होगा, आपने कहा M1 बराबर हो जाएगा आपका, M1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 16, M1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 16, ठीक है ना। और यहां पे D1 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 900, D1 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 900, जो उसका वेट है, ठीक है ना। तो वो आपका क्या हो जाएगा D1। और यहाँ पे W1 क्या आ जाएगा, तो आपने कहा W1 बराबर हो जाएगा जो आपने पैसे उसके लिए उसका उतना उसको दिया है। भाई आपने क्या किया, आपने क्या कार्य किया, उस जो है 16 पैकेट नमक के लिए आपने 28 रुपीस दिया और उसमें से उसका जो वजन था, ठीक है ना, ईच प्रत्येक का जो वजन था वो 900 ग्राम था, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम M2 की बात करें तो M2 इक्वल्स टू आपका कितना है, तो आपने कहा M2 इक्वल्स टू है 27। और अब जो D2 आएगा वो आ जाएगा आपका 1000 ग्राम। अब जो है प्रत्येक पैकेट का वेट जो है 1 किलोग्राम है, अर्थात 1000 ग्राम है, ठीक है। और W2 आपको फाइंड करना है, जिसको हमने मान लिया P, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई पैकेट को आप P से कर दो P1, और यहाँ पे W1, यहाँ पे आपका हो जाएगा जो है प्राइस को आप कॉस्ट से C1 कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका P2, यहाँ पे हो जाएगा W2, यहाँ पे हो जाएगा आपका C2, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, फिर बात वहां पर आ जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने इसलिए इसको आपको M1 D1 से बता रहा हूँ, चूंकि आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर है वहां से आप आसानी से कर पाए इसको, ठीक है ना। तो यहां पर जो है आपका क्या है W2 अब आपको फाइंड करना है। तो यहां पर देखो दोनों का कार्य अलग अलग है, दोनों ने अलग अलग पैसे दिए हैं। तो यहां पर देखो जगह M1 × D1 अर्थात 16 × 900 अपॉन में हो जाएगा आपका 28 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 27 इंटू आपका 1000 अपॉन में हो जाएगा आपका P, ठीक है। तो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, तो आपने कहा 27 इंटू 1000 इंटू आपका 28 अपॉन में हो जाएगा आपका 16 मल्टीप्लाई आपका 900, ठीक है। जीरो से दोनों जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, 9 × 3 = 27 हो जाएगा, 4 × 4 = 16 और 4 × 7 = 28 और 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 5 × 3 = 15, 7 × 105, 105 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 52 रुपीज 50 पैसे, 52 रुपीज 50 पैसे आपका जो है कॉस्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, मेरी बात समझ में आई। तो हमने M1 D1 इसलिए माना है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके समझ में आए, कहीं कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में आए कि सर यहाँ पे कैसे करें, यहाँ पे जो अगर तो आप उसको P1 या जैसा आपको सही लगे W1 ऐसे करके भी आप मान सकते हैं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया है, ठीक है ना, क्लियर। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए है कि 5% कैन प्रिपेयर एन एडमिशन लिस्ट इन 8 डेज वर्किंग 7 आवर्स अ डे इफ 2 persons ज्वाइन देम सो एज टू कंप्लीट द वर्क इन 4 डेज दे नीड टू वर्क हाउ मेनी आवर्स पर डे फॉर।
पांच व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके 8 दिनों में एक प्रवेश सूची तैयार कर सकते हैं। यदि 2 व्यक्ति उनके साथ मिलकर काम को 4 दिनों में पूरा कर सकें तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें तो 5 व्यक्ति अर्थात यहाँ पे आपका M1 कितना दिया गया है आपका 5, ठीक है। और H1 कितना है, प्रतिदिन वो 7 घंटे काम करते हैं, ठीक है। कितने दिनों में, तो आपने कहा 8 दिनों में उन्होंने जो है 8 दिनों में उन्होंने एक प्रवेश सूची तैयार की अर्थात W1=1, ठीक है। एक काम उन्होंने किया प्रवेश सूची को तैयार करने का, और जो W2 है वो भी सेम, उनको भी प्रवेश सूची ही तैयार करनी है। अब आपने कहा कि यदि 2 व्यक्ति उनके साथ मिल जाए अर्थात M2 जो है M2=हो जाए 5, तो पहले से थे 2 और आ जाएं, M2 हो जाए 7, ठीक है ना। H2 कितने घंटे उनको काम करना होगा, ठीक है, ताकि ये जो काम है वो आपका 4 दिन में फिनिश हो जाए। अर्थात W2 भी कितना है आपका 1, W2 भी कितना है आपका 1, अर्थात W1 और W2 क्या सेम है, दोनों लोगों को एक ही कार्य करना है। तो जब आपका कार्य सेम है, दोनों को एक ही काम करना है, तो ये हो जाएगा आपका M1 × D1 × H1 = क्या हो जाएगा आपका M2 × D2 × H2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो M1 कितना है, तो आपने कहा M1 है 5, D1 कितना है 8, H1 कितना है आपका 7 = M2 कितना है आपका 7, D2 कितना है आपका 4, और H2 आपको निकालना है, H2 आपको फाइंड करना है। तो H2 = हो जाएगा आपका 5 × 8 × 7 अपॉन में हो जाएगा आपका 7 × 4 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, 4 × 2 = 8, 5 × 2 = 10, 10 hours पर डे उनको काम करना होगा, 10 hours पर डे उनको काम करना होगा, ठीक है ना। अगर 4 दिनों में उसको इस काम को उनको फिनिश करना है तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पर डे उन्हें जो है 10 घंटे काम करना होगा उन 7 व्यक्तियों को, ताकि काम जो है ये 4 दिन में वो फिनिश कर ले, क्लियर। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है कि इफ 5 men or 9 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 19 days, देन इन हाउ मेनी डेज विल 3 men and 6 women डू द सेम वर्क। यदि 5 पुरुष या 9 महिलाएं एक काम को 19 दिनों में कर सकते हैं तो 3 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कर सकती हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर शुरुआत में आपको ये दिया गया कि 5 men = 9 women के दिया गया, 5 men = 9 women के। तो अगर मैं बात करूं कि 1 man = हो जाएगा 9/5 women के हो जाएगा, ये बात आपको मेरी समझ में आ गई भाई। 5 आदमी या 9 औरतें मिलकर के, 9 महिलाएं मिलकर के एक काम को 19 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो या तो उस काम को 5 पुरुष कर लें या तो फिर 9 महिलाएं कर लें। तो 1 man = हो जाएगा 9/5 women के। अब कह रहा है कि 3 men and 6 women डू द सेम वर्क, कितने दिनों में जो है 3 आदमी और 6 महिलाएं मिलकर उस काम को पूरा कर सकती हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको हम चाहे महिलाओं में कन्वर्ट कर लें और चाहे पुरुषों में कन्वर्ट कर लें। तो अगर हम यहाँ पे बात करें और इसको हम 3 men + 6 women इसको हम टोटल वुमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये जाएगा आपका 3 × 9/5 women प्लस हो जाएगा आपका 6 women हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका ये। तो आपने कहा 9 × 3 = 27 और 6 × 5 = 30 अपॉन में 5, तो ये हो जाएगा आपका 7 और 3 × 5 = 57 अपॉन में 5 women, 57 अपॉन में 5 women। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो मैंने शुरुआत आपको बताया किसी आदमी ने या किसी औरत ने कितने दिन तक कार्य किया,
तो आपने इसको किस में कन्वर्ट किया, वुमेन में, तो आप यहां से भी वुमेन को ही लेंगे। तो यहां पे अगर हम टोटल वर्क की बात करें, तो टोटल वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 9 महिलाओं ने 19 दिन तक काम किया, तो यहां से टोटल वर्क निकल आएगा। अब देखो, तो ये जो सेम वर्क इतनी महिलाएं कितने दिन में फिनिश कर लेंगी, तो आपने कहा कि भाई ये हो जाएगा आपका जो टोटल कितना हो जाएगा 9 × 19 अपॉन में हो जाएगा आपका 57/5। तो ये 57/5 जब आप लिखेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 9 × 19 × 5 अपॉन में हो जाएगा आपका 57। तो 19 × 57, 3 × 9 और 5 × 15, 15 डेज में जो है ये काम को फिनिश कर देंगे, 15 डेज में इस काम को ये फिनिश कर देंगे। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, मेरी बात समझ में आई भाई? यहां पे आपको दिया गया है कि 5 जो पुरुष हैं वो 9 महिलाओं के बराबर हैं, क्योंकि या तो 5 पुरुष काम करें या तो 9 महिलाएं काम करें, तो 19 दिन में वो काम फिनिश हो जाता है। तो आपसे पूछा गया कि 3 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगी, तो अब यहां पे M1 D1 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, यहां पे आपको क्या करना है, टोटल कैसे निकालेंगे। तो आपने कहा जैसे इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, किसी एक में आप कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे महिला में कन्वर्ट कर लीजिए सबको, चाहे पुरुष में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे निकाल लिया कि 1 man = 9/5 वुमेन के, तो यहां से हमने इसको वुमेन में कन्वर्ट कर लिया, तो टोटल वुमेन आ गई 57/5 वुमेन, टोटल वर्क आ जाएगा आपका ना, आप चूंकि यहां से हमने इसको वुमेन में कन्वर्ट कर लिया है, तो यहां से भी टोटल वर्क आप वुमेन से निकालेंगे, तो 9 महिलाएं 19 दिन में काम फिनिश कर लेती हैं, तो 9 × 19 ये आपका यहां से टोटल वर्क आ जाएगा। तो अगर यही काम इतनी महिलाएं मिलकर करेंगी तो 15 दिन में फिनिश कर देंगी, तो अगर उसी काम को 3 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर करते हैं तो 15 दिन में उस काम को वो फिनिश कर देंगे। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला देखिए आपका 9th नंबर का क्वेश्चन है कि 49 पंप्स कैन एम्प्टी अ रिजर्वायर इन 6 इंटीजर 1/2 डेज वर्किंग 8 आवर्स अ डे, इफ 196 पंप्स आर यूज्ड फॉर 5 आवर्स ईच डे देन द सेम वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 49 पंप प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक जलाशय को 6 से ही 1/2 दिन में खाली कर सकते हैं। यदि 196 पंपों का उपयोग प्रतिदिन 5 घंटे के लिए किया जाए तो समान कार्य कितने समय में पूरा होगा। अब देखो यहां पर जो है ये आपका M1 D1 वाले कॉन्सेप्ट से लगेगा, क्योंकि आपने कहा कि M1 बराबर कितना है, तो आपने कहा 49, M1 कितना है आपका 49, H1 कितना है तो आपने कहा 8, H1 कितना है तो आपने कहा 8, D1 कितना है तो जो है आपने कहा ये है आपका 6 इंटीजर 1/2 डेज, इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो 6 × 2 = 12 और 1 हो जाएगा आपका 13/2 डेज, ठीक है। और वर्क दोनों के द्वारा किया गया जो है वो सेम है, अर्थात यहां पे आपका W1 बराबर W2 के है, वर्क दोनों का क्या है आपका सेम है। और यहां पे M2 कितना है, आपने कहा कि भाई अब जो हमें पंपों की पंप यूज करने वो 196 है, ठीक है ना, कितने है 196, प्रतिदिन हमें कितने घंटे चलाने हैं, प्रतिदिन हमें कितने घंटे चलाने, तो आपने कहा 5 घंटे, तो कितने दिनों में जो है ये इस जलाशय को खाली कर देंगे। तो यहां पर देखो अब दोनों के द्वारा किया गया कार्य से में दोनों को जलाशय को ही खाली करना है, तो यहां पे आपका हो जाएगा जब दोनों का आपका वर्क सेम है तो M1 D1 H1 = M2 D2 H2, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका जो है 49 × 8 × 13/2 इक्वल्स टू हो जाएगा जो है आपका 196 × 5 × D2, ठीक है। तो D2 इक्वल्स टू हो जाएगा 49 × 8 × 13 अपॉन में हो जाएगा आपका 2 और मल्टीप्लाई 196 और मल्टीप्लाई आपका 5, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करो कितना आ जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका जो है 8 से इसको कैंसिल कर दो, तो 8 × 16 नहीं, इसको कैंसिल कर लो किससे, जो है 13 से क्या कैंसिल होगा, कोई नहीं,
13 से तो कोई कैंसिल नहीं होगा भाई, 13 वन जा 13 कितना बच जाएगा 6, तो 66 हो जाएगा, 66 आपका 13 से डिविजिबल नहीं है। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा इसको सॉल्व करने पे, तो आपने कहा ये आ जाएगा जो है आपका 24 जा 8, 44 जा 16 कितना बचेगा 3, और 49 जा 30, सिर्फ 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 13 अपॉन में 5 डेज, 13 अपॉन में 5 डेज आप कितना लिख सकते हैं, तो 5 टू जा 10, 10 3 आपका 13 अपॉन में 5, तो 2 इंटीजर 3 बाई 5 डेज आपका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उन्हें कितना समय लग जाएगा, कितने दिन में खाली हो जाएगा जो है रिजर्वायर, तो आपने कहा 2 इंटीजर 3 बाई 5 डेज, अर्थात ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 10th नंबर का क्वेश्चन है कि अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 30 मेन टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 38 डेज, आफ्टर 25 डेज ही एम्प्लॉयड 5 मेन मोर एंड द वर्क वॉज फिनिश्ड 1 डे अर्लियर, हाउ मेनी डेज ही वुड हैव बीन बिहाइंड इफ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड एडिशनल मेन। एक ठेकेदार ने एक काम को 38 दिनों में 38 दिनों में करने के लिए 30 लोगों को नियुक्त किया, 25 दिनों के बाद उसने 5 आदमियों को और काम पर लगाया और काम एक दिन पहले ही खत्म हो गया, यदि उसने अतिरिक्त आदमी न लगाए होते तो वह कितने दिन पीछे रह जाता। तो देखिए भाई, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 30 मैन टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 38 डेज, ओके, आफ्टर 25 डेज ही एम्प्लॉयड 5 मैन मोर एंड द वर्क वॉज फिनिश्ड 1 डे अर्लियर, तो हाउ मेनी डेज ही वुड हैव बीन बिहाइंड इफ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड एडिशनल मैन। देखो भाई, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो उसने जो है 30 व्यक्तियों को काम पर लगाया 38 डेज में काम को फिनिश करने के लिए, ठीक है, तो 30 आदमी काम को 38 डेज में क्या कर देते, फिनिश कर देते, लेकिन उसने क्या किया, ठीक है, कि 25 दिनों के बाद 5 आदमियों को और लगा लिया, 25 दिनों के बाद उसने 5 आदमी और लगा दिए, तो अगर हम बात करें तो आफ्टर 25 डेज, आफ्टर 25 डेज अब जो है व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, तो आपने कहा कि 30 पहले से थे, 5 उसने और कर दिए, अब जो है पुरुषों की संख्या हो गई 35, अच्छा 25 दिन तक अभी इन 30 व्यक्तियों ने काम कर लिया, 25 दिन तक इन 30 व्यक्तियों ने काम किया है, तो अब अगर हम बात करें तो उसके पास कितने दिन बचे, तो उसने उसके पास अभी 13 दिन बचे हैं इस काम को करने के लिए, क्योंकि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो 38 डेज में इस काम को फिनिश करने का लिया है, लेकिन इस 13 डेज के बजाय, ठीक है ना, उसने 12 डेज में ही काम को फिनिश कर लिया, क्योंकि जब 5 व्यक्ति उसने काम पर और लगाए तो काम जो है एक दिन पहले ही खत्म हो गया, ठीक है ना, एंड द वर्क वॉज फिनिश्ड 1 डे अर्लियर, एक दिन पहले ही काम क्या हो गया, फिनिश हो गया, तो उसने कहा कि अगर जो है ये व्यक्तियों को ना लगाता तो काम कितने दिन पीछे हो जाता, तो आपने कहा कि भाई यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब जो है टोटल वर्क की अगर मैं बात करूं कि भाई इन 12 दिनों में इन 35 लोगों ने कितना काम किया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल वर्क की, अगर हम यहाँ पे अब टोटल वर्क की बात कर लें तो अब जो है इन 35 व्यक्तियों ने केवल 12 दिन तक ही तो काम किया है, क्योंकि भाई करना उनको 13 दिन तक था, ठीक है, तो उन्होंने उस काम को 12 दिन में ही फिनिश कर लिया, एक दिन पहले ही फिनिश कर लिया, अर्थात इन 35 व्यक्तियों ने केवल 12 दिन तक कार्य किया, तो इस कार्य को अगर 30 व्यक्ति करते तो कितने दिन में वो फिनिश कर पाते, यही तो है कि भाई अगर जो है इस कार्य को अगर 30 व्यक्ति करते, ठीक है ना, अगर इस कार्य को 30 व्यक्ति करते 30 मैन कैन डू इट, तो आपने कहा 35 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में 30, अगर इस टोटल को 30 मैन करते तो कितने दिन में फिनिश कर लेते, तो आपने कहा 6 × 5 = 30 और नहीं 5 से काटो इसको, 6 से नहीं कटेगा, 6 से भी तो कट जाएगा, 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 12 और 5 × 31 और ये कितना हो जाता आपका, नहीं 5 × 7 = 35 होता है ना, सॉरी
5 6 30 आ रहा है, 35 है, 5 7 जा 35, 7 2 जा 14, 14 डेज में जो है ये कंप्लीट कर लेते। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है भाई? 30 आदमियों को उसने लगाया, 38 डेज में उसने काम को फिनिश करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, लेकिन उसने क्या किया कि 25 दिन बाद उसने 5 आदमी और जो है उसमें ऐड कर दिए, अर्थात अब पुरुषों की संख्या कितनी हो गई? तो आपने कहा अब पुरुषों की संख्या हो गई 35 मैन हो गए। अब ये जो 35 मैन है जब उस काम को करते हैं तो एक दिन पहले ही उन्होंने काम को फिनिश कर दिया, अर्थात अभी भी उनके पास 13 डेज बाकी थे लेकिन उन्होंने कार्य को 12 डेज में ही कंप्लीट कर दिया। तो भाई इन 35 व्यक्तियों ने केवल 12 दिन तक ही तो काम किया, तो अब इस काम को अगर 30 आदमी करते तो उनको 14 डेज लग जाते, तो उनके पास था केवल 13 डेज ही और वो उस काम को 14 डेज में कंप्लीट करता था, एक दिन वो पीछे हो जाते। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था 38 डेज का लेकिन वो 39 डेज में कंप्लीट होता, तो यहां पे आपका आंसर कितना हो जाएगा, कितने दिन पीछे हो जाते? 1 डेज। तो ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए है कि 64 persons can dig a trench 50 meter long, 2 meter wide and 2 meter deep in 5 days, working 12 hours daily. In how many days working 8 hours daily will 80 persons dig another trench 75 meter long, 4 meter wide and 3 meter deep? 64 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे काम करके 50 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी खाई 5 दिनों में खोद सकते हैं, तो प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 80 व्यक्ति कितने दिनों में 75 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी एक और खाई खोदेंगे? तो यहां पर देखो आपका जो है, अब ये सिंपल सा आपका M1 कॉन्सेप्ट से लग जाएगा बिल्कुल। M1 इक्वल्स टू आपका 64 है, M1 कितना है आपका 64, H1 कितना है तो H1 है आपका 12, ठीक है, और जो है D1 कितना है तो D1 है आपका जो है D1 है आपका 5। अच्छा W1 कितना है, W1 कितना है तो आपने कहा W1 इक्वल टू हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई आपका 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना। इन्होंने जो ट्रेंच खोदा है वो आपका 50 मीटर क्या है तो लंबा है, 2 मीटर चौड़ा है और 2 मीटर वो गहरा है, तो इन्होंने जो कार्य किया कितना किया 50 × 2 × 2। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो M2 कितना है, M2 इक्वल्स टू जो है आपका 80 है, M2 इक्वल्स टू कितना है आपका 80 है, ठीक है ना। अब ये पर डे कितने घंटे काम करते हैं तो आपने कहा ये पर डे 8 घंटे काम करते हैं, अर्थात H2 इक्वल्स टू 8 है, ठीक है ना। D2 आपको निकालना है, D2 आपको अब यहां पर फाइंड करना है, ठीक है ना। और इन्होंने काम कितना किया तो इन्होंने अब जो ट्रेंच खोदा है वो 75 मीटर लंबा है, 4 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर गहरा है, तो अगर हम यहाँ पे W2 की बात करें तो W2 इक्वल टू हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई आपका जो है 4 मल्टीप्लाई आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1, तो हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में हो जाएगा आपका 50 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा आपका ये M2 इंटू D2 इंटू H2, अर्थात 80 मल्टीप्लाई 8 D2 आपको फाइंड करना है, अपॉन में आपका W2 कितना हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई आपका 3। ओके क्लियर है? अब देखिए तो D2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, D2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा तो D2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 64 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3। ओके अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा आपका 80 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 50 और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका ये 4 करोड़, ठीक है ना। 2 2 जा कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब देखो इसको जरा सॉल्व करिए भाई, कट करिए इसको, तो आपने कहा 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना, और 5 10 जा आपका 50 हो जाएगा और यहाँ पे 8 8 जा 64 और 8 10 जा आपका हो जाएगा 80, ठीक है क्लियर है।
इसको अगर हम कितने करें तो ये हो जाएगा आपका 10 10 जा 100 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 10 10 जा आपका 100 हो जाएगा। और अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 25 से कैंसिल कर दो, 25 3 जा 75 और ये 10 और 10 जा आपका 100 हो जाएगा, दोनों को कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, 25 4 जा आपका हो जाएगा 100। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? 10 और 10 का मल्टीप्लाई आपका 100 होगा, 25 से हमने कैंसिल किया, 25 3 जा 75, 25 4 जा आपका 100 हो जाएगा। 4 से जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 4 3 जा 12 आ जाएगा। अब देखो ये 3 ये 3 और ये 3 ऊपर बचा, जब तीनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 27 डेज। कितना आ जाएगा? 27 डेज आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 27 डेज उनको लग जाएंगे इतना बड़ा ट्रेंच को खोदने के लिए, ठीक है ना। तो 27 डेज आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि 21 binders कैन बाइंड 1400 books इन 15 डेज, तो हाउ मेनी binders विल बी रिक्वायर्ड टू बाइंड 800 books इन 20 डेज। अच्छा 21 जिल्दसाज 15 दिनों में 1400 बुकों को पुस्तकें बांध सकते हैं, तो 20 दिनों में 800 पुस्तकों को बांधने के लिए कितने जिल्दसाजों की आवश्यकता होगी। तो अब यहां पर काम क्या है? काम है पुस्तकों को बांधना। काम क्या है? पुस्तकों को बांधना। तो यहां पे अगर हम बात करें तो भाई देखो M1 कितना दिया है आपने, कहा M1 दिया गया है 21, M1 दिया गया है 21, D1 दिया गया है 15, D1 दिया गया है 15, और सॉरी W1 कितना दिया गया था आपने कहा W1 दिया गया 1400, 1400 बुकें उसने उन्होंने क्या कर दी? बाइंड कर दिया, अर्थात बांध दी, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो M2 हमें निकालना है, M2 हमें निकालना है, ठीक है ना। और अब जो है D2, तो ये 20 दिनों तक इन्होंने काम किया, और कितना काम किया? तो इन्होंने 800 बुक जो है बांध दी। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पे जो है देखो वर्क दोनों के अलग अलग हैं, तो ये हो जाएगा आपका M1 D1 upon W1 इक्वल टू हो जाएगा आपका M2 D2 upon W2, ठीक है, क्योंकि वर्ग दोनों के अलग अलग हैं। तो क्या हो जाएगा? M1 into D1 upon W1 equals to M2 into D2 upon W2। तो M1 कितना है बेटा? तो M1 आपका है 21, तो ये 21 into 15, और आपका वर्क है 1400 equals to M2 आपको फाइंड करना है, D2 है आपका 20 और वर्क है आपका 800, ठीक है। तो M2 equals to कितना हो जाएगा? तो आपने कहा M2 equals to हो जाएगा 21 into 15 into 800 अपॉन हो जाएगा आपका जो है 1400, और ये हो जाएगा into 20। दोनों जीरो से ये दोनों जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ठीक है। आगे देखो 5 4 जा आपका 20, 5 3 जा आपका 15, 4 2 जा आपका 8, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा आपका 9 आ जाएगा, 3 3 जा कितना आ जाएगा आपका 9। तो M2 इक्वल्स टू 9 आ जाएगा, अर्थात 9 लोगों की जरूरत होगी, 9 लोगों की जरूरत होगी जो कि 20 दिनों में जो है 800 पुस्तकों को बाइंड कर देंगे, अर्थात बांध देंगे, ठीक है ना। तो कितने जो है बाइंडर्स की जरूरत पड़ेगी? 9 बाइंडर्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और कम समय में जो है चैन रूल के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट जो चैन रूल को लेकर के बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ठीक है ना। और पहली क्लास में भी हम लोगों ने चैन रूल से रिलेटेड बहुत अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, और आज की क्लास में भी जो है हम लोगों ने चैन रूल से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ठीक है ना। आज क्लास हम लोगों ने 12 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।